Good morning students, from today we are starting our chemistry class and we will start from our chapter 7, acid, base and salt. So firstly we will discuss about acids. So firstly we will discuss about matter. What is matter? So matter ko pehle hume janna hoga. So matter kya hai ki anything which occupies space. कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. सेकेंड पॉइंट, विच हैज इट्स ओन मास, जिसका अपना खुद का मास हो. एंड थर्ड पॉइंट, विच कैन परसीव बाय सेंस. तो अगर हम मैटर की डेफिनेशन देखें तो क्या कहें कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, विच हैज इट्स ओन मास एंड विच कैन परसीव बाय सेंस इज नोन एज मैटर. अगर हम एयर की बात करें तो एयर मैटर है कि नहीं? बिल्कुल एयर मैटर. एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. आप उसको बलून में ब्लो करिए और क्या करिए, फिलअप कर सकते हैं. या जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उसमें भी गैसेस को क्या किया जाता है, फिलअप किया जाता है. विच हैज इट्स ओन मास, गैसेस का अपना ओन मास भी होता है. अगर आप एलपीजी सिलेंडर्स देखें तो उनका एक पर्टिकुलर वेट होता है गैस की वजह से. क्लियर? एंड लास्ट वन इज विच कैन बी परसीव बाय सेंस. और एयर जब आपकी बॉडी को टच करती है या एयर जब आपकी बॉडी से होकर के फ्लो होगी देन यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो इट मीन्स एयर भी क्या है, मैटर है. तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब हमने मैटर का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया या केमिकल सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो उस केस में क्या हुआ, सबसे पहले हमने सब्सटेंसेस को डिफाइन किया एसिड, बेस और सॉल्ट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिड्स की स्टडी करेंगे. ठीक है, तो देखिए क्या एसिड वर्ड जो है वो आया है लैटिन वर्ड एसिडस और एसिड एसिड, इसका मीन्स होता है सॉल्ट. तो सबसे पहले जब एसिड्स की स्टडी की गई तो ये बताया गया कि ऑल दो सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट आर नोन एज एसिड्स. वो सारे सब्सटेंस जो टेस्ट में सार होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड्स कहेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल हम देखते हैं. जैसे अगर हम बात करें लेमन, तो लेमन में होता है साइट्रिक एसिड, वो भी सार होता है टेस्ट में. इसी तरह से अगर हम बात करें टैमरिंड, उसको आप इमली कहते हैं, उसमें होता है टार्टरिक एसिड. एंड स्टील की बात करें तो उसमें होता है फॉर्मिक एसिड. कर्ड की बात करें तो उसमें होता है लैक्टिक एसिड. तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे की डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि ऑल दो सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट आर नोन एज एसिड्स. लेकिन द क्वेश्चन इज अराइज कि क्या सारे एसिड्स को हम टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल. अगर हम बात करें क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल. यानी ये डेफिनेशन जो एसिड्स के बारे में डिफाइन की गई इसके लैटिन वर्ड से वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं. एसिड सार इन टेस्ट होते हैं ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सारे एसिड्स को आप टेस्ट कर पाएं ये बात बिल्कुल सही नहीं. तो यानी अब हमें ज़रूरत होगी एसिड्स के क्लासिफिकेशन की और एक नई डेफिनेशन. ठीक है, तो आइए एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं. सबसे पहले जब हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया तो दो पार्ट में क्लासिफाई किया. एसिड्स को हमने क्लासिफिकेशन किया तो ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स, जैसे इनके नाम में वैसी ही डेफिनेशन होगी. तो वो सारे एसिड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें फॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड. जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम प्लांट्स की भी बात करते हैं और एनिमल्स की भी बात करते हैं. तो वो सारे एसिड्स जो प्लांट और एनिमल से डराइव होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं. तो और दो एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड. अभी हमने कई के नाम लिखे हुए थे, साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया. एंड
नेक्स्ट वन इज मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं. तो वो सारे एसिड्स जो मिनरल्स से ऑब्टेन होंगे, जो मिनरल्स से ऑब्टेन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, मिनरल एसिड्स कहेंगे. जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड. HNO3, नाइट्रिक एसिड. H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड. तो ये कुछ कॉमनली यूज मिनरल एसिड्स. क्लियर? तो ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स क्लियर हो गया आपको. ये ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम या ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड द मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स. तो आपको कम से कम इन चार एसिड्स के नाम और केमिकल फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है. अब हम आगे बढ़ेंगे एसिड्स की नई डेफिनेशन. तो जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ती गई केमिस्ट्री की या एसिड्स के बारे में नॉलेज बढ़ती गई साइंटिस्ट की, तो उन्होंने एक और डेफिनेशन दी. तो ये कहा गया कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच फर्निश H+ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. तो ये कहा गया कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन फॉर्म करते हैं. एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा, जब किसी भी सब्सटेंस को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे. तो ये बताया गया कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच फर्निश H+ आयन इन देयर एक्वा सॉल्यूशन. ठीक. तो अगर आप देखिए HCl की बात करें और इसका एक्वा सॉल्यूशन, तो जब एक्वा सॉल्यूशन हम लेंगे तो H+ और Cl- डिसोसिएट होंगे. अगर हम बात करें H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो H+ और SO4- डिसोसिएट हो जाए. HNO3 की बात करें तो H+ NO3-. तो देखिए सारे सब्सटेंसेस एसिड्स हैं और सभी H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एसिड्स को एक नई डेफिनेशन मिल गई या एक नया एक्सप्लेनेशन मिल गया कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच फर्निश H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. और जितने भी एसिड्स थे वो सभी H+ आयंस को फॉर्म कर रहे थे एक्वस सॉल्यूशन में. आगे सीनियर क्लासेस में ये डेफिनेशन भी इनकम्प्लीट हो जाएगी, पूरी तरह से सही नहीं होगी, लेकिन आपकी जो प्रेजेंट सिलेबस है 10th के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन सही है. तो वो सारे सब्सटेंस एसिड्स कहलाएंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करें. अगर हम ये तो सारे मिनरल एसिड्स थे, अगर हम बात करें किसकी, ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो उनके साथ भी ऐसा है. जैसे हम कहें HCOOH जो कि फॉर्मिक एसिड है, एंटीस्टिक में पाया जाता है और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये बना लेगा H+ और HCOO-. ये हो गया फॉर्मिक एसिड. या फिर हम एसिडिक एसिड लेने CH3COOH, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये H+ प्लस CH3COO-, ये एसिटेट आयन है. क्लियर? तो यानी इस डेफिनेशन ने लगभग जितने भी एसिड्स नोन थे उन सभी को प्रॉपर वे में क्लियर किया. एसिड्स की डेफिनेशन सभी को लग हो जाएगी आसानी से. एक एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच फर्निशेस H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. कहीं कहीं पर H+ आयन की जगह H3O+ आयन भी कहा गया है. ये है हाइड्रोनियम है. ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा होगा कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस H3O+ आयन या हाइड्रोनियम आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. तो वो कैसे है इसको भी देख लेते हैं. देखिए
तो अगर आप देखिए HCl का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, यानी इसमें हमने क्या किया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, क्लियर। तो इसका एक H और ये H2O मिलकर के क्या बना लेंगे, H3O प्लस, और फाइनली ये क्या बन जाएगा, Cl माइनस। तो यानी ये डेफिनेशन भी प्रॉपर वे में सही है कि ऐसे दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस H3O प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन इन देयर एक्वा सोल्यूशन। तो यानी एसिड को हम इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, क्लियर। तो अभी तक जितना कुछ पढ़ा है हम उसके बेसिस पर एसिड्स की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच आर शार्प इन टेस्ट, कोरोसिव इन नेचर, चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। तो एसिड्स के बारे में अभी हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन क्या है कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में साल होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में, यानी स्किन पर या किसी भी बॉडी पर जब एसिड अप्लाई किए जाएंगे तो वो उसको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, और साथ साथ ये इंडिकेटर के कलर को चेंज कर देते हैं। तो जैसे ये ब्लू लिटमस को इसमें कन्वर्ट कर देंगे रेड। इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो हम आगे चल के चैप्टर में प्रॉपरली डीप में पढ़ेंगे। तो एसिड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, एक बार हम फिर से उसको रिवाइज कर दे रहे हैं कि एसिड जो है वो लैटिन वर्ड एसिडस से या एसिड से आया, जिसका मीन्स होता है सॉल्ट। तो सबसे पहले जब हमने एसिड को डिफाइन किया गया तो ये बताया कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर शार्प इन टेस्ट। लेकिन जब फर्दर स्टडीज हुई तो ये बात कन्फर्म क्लियर हो गई कि सारे एसिड्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन जो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो उसके बेसिस पर एक नई डेफिनेशन आई जिस डेफिनेशन में क्या कहा गया कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस या विच फर्निशेस एक्वस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने एसिड्स को डिफाइन किया। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस। तो आपको पता है कि जो भी एसिड्स है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या फॉर्म करते हैं, एच प्लस आयन। तो एसिड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में जितने एच प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस। द नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय या फॉर्म बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। देखिए क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगा। अभी आपने पढ़ा था कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, एच प्लस आयन पर टू प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम बेसिसिटी को डिफाइन करें तो एसिड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में या एसिड्स का हर एक मॉलिक्यूल अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितने एच प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं बेसिसिटी। द नंबर ऑफ एच प्लस आयन फॉर्म बाय द पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। पर मॉलिक्यूल देखना बहुत जरूरी होता है कि हर एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। अगर आप देखें, अगर हम बात करें किसी HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लें तो यहाँ पर HCl का एक मॉलिक्यूल H प्लस और Cl माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हर एक मॉलिक्यूल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एच प्लस, एक एच प्लस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, वन। अगर हम बात करें H2SO4 की तो ये प्रोड्यूस करेगा 2H+ और SO4
माइनस टू, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, टू। और इसी तरह से अगर हम बात करें H3PO4 जो फॉस्फोरिक एसिड है, तो 3H प्लस और PO4 माइनस टू, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, थ्री। तो यानी बेसिसिटी क्या है कि द नंबर ऑफ H प्लस आयन फॉर्म बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज बेसिसिटी। हमेशा जाना कि एसिड्स की बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी को हम लोग बेसिस में पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिसिटी में। तो बेसिसिटी के बेसिस पर हम एसिड्स को क्लासिफाई भी कर सकते हैं। अगर किसी सब्सटेंस की बेसिसिटी वन है तो वो कहलाएगा मोनोबेसिक। अगर उसकी बेसिसिटी टू है तो वो कहलाएगा डायाबेसिक। और अगर उसकी बेसिसिटी कितनी है, थ्री है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइबेसिक। तो इस तरीके से हम बेसिस का क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो जो बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इस वर्ड को लिखना नहीं भूलेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा, द नंबर ऑफ H प्लस आयन फॉर्म बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। क्योंकि जब आप क्या करते हैं, एक लीटर या दो लीटर या चार लीटर एसिड लेंगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि उसमें कितने H प्लस हैं। तो चार लीटर या एक लीटर या 500 ml या 100 ml, तो एक H प्लस या दो H प्लस या तीन H प्लस तो बनाएगा नहीं। उसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे हर एक मॉलिक्यूल H प्लस आयन फॉर्म करेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो इस डेफिनेशन को प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड देन उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिस। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करेंगे तो हम उनको क्लैरिफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।